हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं आप सबके राजश्री, और मदर को कल डिस्चार्ज करती है, 10 दिन के बाद उनको दोबारा से एडमिट किया जाएगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स उनको दी, शायद आप लोगों की दुआ से ही वो ठीक है। अब 10 दिन के बाद से दोबारा से वही रूटीन, कोई बात नहीं, लाइफ है तो जीनी तो पड़ेगी। आप देख सकते हो पूरा मुंह छालों से भरा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी, थैंक यू सो मच। आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगी, एक ही लाइफ है, इस एक लाइफ को ये सोच के जिए कि हाँ जी इसी लाइफ में आपको हर्डल्स भी आएंगी, इसी लाइफ में आपको अपनी वेट लॉस जर्नी को भी आगे लेके जाना पड़ेगा और चीजों को भी करना पड़ेगा। तो जो ये कहते हैं ना कि बाहर रह के डाइट नहीं होती, मेरी जान आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाहर कौन से ऑप्शन लेते हो। हॉस्पिटल में भी छोले भटूरे बहुत सारे ऑप्शन थे जिनको मैं ले सकती थी, लेकिन मैं सिर्फ अपने फ्रूट्स को लेती थी। तो ये हमारे दिल की बात होती है, हम क्या खाना चाहते हैं तो हमें वही दिखता है। अगर मेरा छोले भटूरे खाने का दिल करेगा ना, अभी मुझे छोले भटूरे का ना टेस्ट अपने अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं सामने बैठ के मेरे खाते थे, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, मेरे अंदर इतना जुनून तो है टच वुड कि मेरे सामने समोसे खा रहे होते, सब कुछ खा रहे होते थे, हॉस्पिटल में पता लेने आते थे, लेकिन ना हॉस्पिटल में वहां पे बैठ के मेरे सामने चाय समोसे खाए जाते थे मेरे, क्योंकि मेरे नहीं सुनते ना वहां पे, बिल्कुल नहीं सुनते। और आप देख सकते हो मेरे फेस पे ना स्वेलिंग है, आज मेरी थोड़ी सी नींद पूरी नहीं हुई, कल और बेटर होगी। तो आप लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ कि लाइफ में हंसना मुस्कुराना कभी मत छोड़ना, चाहे जो मर्जी सिचुएशन हो, जैसी मर्जी सिचुएशन हो। तो इसीलिए हमेशा आपको बोलती हूँ, अपनी स्माइल को ना अपने आप से कभी दूर मत करना, आंखें बिल्कुल सूजी हुई है, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी कि मेरा बीच में मेरी ब्रेक हो गई, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे तो ब्रदर बता भी नहीं रहे थे कि मम्मी इतनी बीमार है, लेकिन जब मुझे पता चला मैं तभी चली गई। तो आप लोगों को यही चीज बोलती हूँ, लाइफ में ऐसे हर्डल्स आएंगी, लेकिन आपने उन हर्डल्स में आपने अपनी जर्नी को नहीं ब्रेक करना, बस अपने आप को संभालना है उस सिचुएशन से, उस स्ट्रेस लेवल से, क्योंकि स्ट्रेस लेवल जैसे बढ़ता है, जैसे मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ा, फेस पे स्वेलिंग आ गई, आप देख सकते हो आप थोड़ा सा ब्लोटेड फील होना स्टार्ट हो गया, होता है, लाजमी है, हर किसी की जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है, कोई सूख जाता है, कोई पतला हो जाता है टेंशन में, तो कोई मोटा हो जाता है, मैं तो मोटी हो जाती हूँ क्योंकि मेरा तो ना स्ट्रेस लेवल, मैं वहां पे देख रही थी, मैं बल्कि डाइटिशियन के पास भी गई, मैंने कहा आप दलिये के साथ आप चाय पेशेंट को खाली पेट कैसे भेज रहे हो, मतलब जब मैंने उनकी डाइट, मैंने कहा ऐसा कीजिए आप रहने दीजिए, लेकिन हॉस्पिटल में बाहर का खाना अलाउड नहीं होता, उनको उनके हिसाब से ही खाना होता है, लेकिन अब मैं उनको अपने हिसाब से ठीक करूंगी, क्योंकि 10 दिन के अंदर उनकी शुगर, थायराइड, ये सब चीजें दोबारा से मुझे नॉर्मल करनी होगी। वो भी मेरी मम्मी बहुत बच्चों की तरह जिद करते हैं, पानी भी उन्हें जिद कर करके मुझे वहां पे पिलाने को मजबूर किया जाता था, उसमें भी चिढ़ते थे, तू मुझे टोका टकाई करती हूँ क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए। मैं ना सच बताऊ, मेरा बस चले ना, मैं वो सब चीजें आप लोगों को बताऊं जिन गलतियों की वजह से ये इतनी बड़ी बीमारी हो जाती है। एक छोटी सी शुगर भी हमारे गलत खान पान की वजह से, और बड़ी से बड़ी बीमारी भी हमारे गलत खान पान की वजह से ही होती है। तो इसलिए अगर हम अपनी डाइट प्रॉपर लें, अपना सब कुछ लें, पानी का इंटेक प्रॉपर रखें, डिटॉक्सिस रखें, और चाय कॉफी को अगर नहीं छोड़ सकते वंस इन ए वाइल एक कप, पर किसी भी खाने के साथ ही, कुछ चीजों को अगर आप सुधार लो ना, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। हॉस्पिटल में लाखों रुपए लगाने से अच्छा है कुछ पैसों में अपने लिए फ्रूट्स लेके आया कीजिए, और अपने लिए सैलेड्स लिया कीजिए, पनीर लिया कीजिए। इतना महंगा हेल्दी होना नहीं है जितना महंगा बीमार से ठीक होना है, सच बता रही हूँ। हॉस्पिटल में जाके उनको तो एक, मैं, मेरी तो ना सच, मेरी फील्ड है, फिर भी सॉरी मैं एक चीज बोलूंगी, उनको तो ना आप एक टारगेट दिखते हो, हाँ जी एक टारगेट आ गया, ठीक है इसके अंदर ये भी निकाल दो। आजकल तो ना हॉस्पिटल्स का नाम ही भरोसे है, एक पेशेंट अगर मैं सिंपल सी भी चली जाऊं ना तो भी, अब मेरी रिपोर्ट्स, कल मैंने अपने टेस्ट वगैरह करवाए सारे को, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है,
पर मैं मरने से पहले ना आप लोगों को ना जीना सिखाना चाहती हूँ। मरना है, एक दिन मरना है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद भी ना आप लोग याद रखो कि हाँ जी राशि दी थे जो ये कहते थे कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए। मैं नहीं चाहती कि, देखो कई चीजें होती है हाथ में नहीं होती, बहुत स्ट्रेस है, बहुत लाइफ ऐसी है, पर फिर भी मैं हंसना नहीं छोड़ती क्योंकि मुझे पता है हर किसी के बस की बात नहीं होती इतने टेंशन में भी हंसना। अरे मैंने तो वो औरतें भी देखी हैं, जरा सा सिर में दर्द होता है पूरे घर को सिर पे उठा लेती हैं, और मैं नहीं, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं, कोई महानी बना, कुछ नहीं बनना, हर किसी की हिम्मत की बात होती है। किसी किसी के लिए जरा सा दर्द भी बहुत बड़ा होता है, किसी के लिए बड़े से बड़ा दर्द भी सहन करने की हिम्मत उस खुदा ने ही दी है। मैं भी बहुत जरा से दर्द में, जरा सा फीवर भी सहन नहीं होता था, पर लाइफ ने इतना स्ट्रोंग बना दिया है कि हर चीज में हैंडल कर लेती हूँ। तो हेल्दी रहिए, फिट रहिए, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू, आपने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी। मुझे पता है कोई हो ना हो आप लोग मेरे साथ हो, तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर दीजिए अपनी हेल्थ के लिए। जब हेल्दी हो जाना तो अनसब्सक्राइब कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पैसा, फेम, ये सब चीजें नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आप लोग अपनी हेल्थ को सुधार दो, अपने आप को हेल्दी वे में लाइफ को जीना सिखा दो। बाय बाय टू ऑल।